हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो पिछले वाले वीडियोस में जो आपको प्रॉब्लम आई उसके लिए कमेंट करें। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा कुछ यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स में आता है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक होगा आज। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, तो आज हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकालेंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, इंडिपेंडेंट इक्वेशन किससे निकालेंगे? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन से। कुछ यूनिवर्सिटी में 3 नंबर में भी आता है, कुछ में 5 में पूछा जाता है, और कुछ में ये 7.5 नंबर में, जैसे CCS यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी जो यूपी में से रिलेटेड है, ठीक है। और पिछली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में BSc में 5 नंबर में ये रिपीट हुआ था हमारा, ठीक है। 3 नंबर में भी आ जाता है, यानी कि 2 में तो नहीं आता है, यानी कि फिर 3 या 5 या फिर 7.5 या फिर 10 में ये रिपीट होता है हमारा। तो हेडिंग बनेगी आज डिडक्शन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रो डिंजर वेव इक्वेशन फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर। क्लियर है जी? बहुत बड़ी हेडिंग बन गई लेकिन इम्पोर्टेंट है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन से इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं जी सॉल्यूशन। पिछले वाले जो हमने किया था, क्या निकाला था? 1 डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन निकाली थी। तुमने कहा था कोई पार्टिकल है जिसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। वेव एसोसिएटेड होगी कब होगी? जब वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा था हमारा, तो वहाँ पे अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ना करे टाइम पे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन आई वो ओनली, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो पोजीशन पे डिपेंड हो रहा है, तो श्रोडिंजर जो वेव इक्वेशन उसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। साई एक्स इज इक्वल टू ए की पावर -2π/h, अब 2π/h et -px होता था, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। बस इसमें कुछ नहीं लिखना आप लोगों को बस लिखना है कि इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे? टाइम पे। इट इज डिपेंड ओनली ऑन द पोजिशन, देन द सोल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज गिवन बाय, तो वो होता था आपका साई एक्स टी इज इक्वल टू ए की पावर -2π/h। क्लियर है भैया? चलो माइनस को बाहर ही रखेंगे, ये हमारा इसके ऊपर ही है, पावर में ही है, ठीक है। ये ई टी माइनस पी एक्स हमारा क्या है? पावर में ही है, ठीक है। इसमें से हमें सेपरेट करना है टी और वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे सेपरेटिंग सेपरेटिंग वेरिएबल्स एक्स एंड टी। चलो तो उसको लिख सकता हूँ मैं, साई एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाले को ले लो पहले 2π/h, पी है और एक्स है आपका, ठीक है। क्लियर है बात भाई? भाई ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2π/p(x) हो गया हमारा, ठीक है, इंटू ई की पावर -2π/et/h, ठीक है। क्लियर है जी? इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारे। क्लियर है भाई? एक्स और टी के वेरिएबल्स हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो सेपरेट कर लिया वेरिएबल एक्स एंड टी। चलिए स्पेशियल पार्ट ले लीजिए इसमें से, तो टेकिंग स्पेशियल स्पेशियल पार्ट ओनली क्या होगा जी? ये हो गया आपका साई
एक्स, साई एक्स स्पेशल पार्ट हमारा कौन सा है, साई एक्स वाला है, ए ई की पावर 2 पाई आई पी एक्स अपॉन एच, ये हमने टेकिंग ले लिया, ठीक है, ये हमारा स्पेशल पार्ट था तो उसको लिख लिया। तो कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ पे साई एक्स लगा दें तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा, साई एक्स ए की पावर -2 पाई आई ई टी, ठीक है, यही तो होगा भैया, क्लियर है बात भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, साई एक्स आ जाएगा। सो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एच, ठीक है भाई, लिखो भैया, साई एक्स टी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट साई एक्स हो गया, ई की पावर -2 पाई आई ई टी बाई एच हो गया, क्लियर है भैया, ये क्वेश्चन हमारी थर्ड आ गई। अब इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, समझ रहे भाई, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू टी, क्लियर है भैया, विद रेस्पेक्ट टू टी, डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, यानी कि ई की पावर टी का हमारा ई की पावर टी ही रहेगा भाई, ठीक है, ई की पावर टी का हमारा ई की पावर टी ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साई भाई ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा, ई की पावर -2 पाई आई ई टी बाई एच, फिर से टी का होगा तो 2 पाई आई एच, अब माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ई अपॉन एच, ये ई है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 पाई आई ई अपॉन एच हो गया हमारा, क्योंकि टी का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में आएगा, ये पावर में है, ये इनटू में है, क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करना है हमें इक्वेशन थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू आइस, ठीक है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आगे जगह नहीं बची हुई है तो पहले इसको नोट कर लेंगे पाउस करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, भैया नोट करो जल्दी से भाई, ठीक है, नोट करो, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का कर रहे हैं 2x, तो डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 पाई ई टी अपॉन एच हो जाएगा हमारा, ठीक है, करो भैया नोट, नोट कर लिया, ठीक है, मिटा दे भाई, चलो जी बहुत बढ़िया भैया, दिक्कत होगी तो पूछ लियो भाई, ठीक है, करो भाई डिफरेंशिएट। सो डिवाइस करना है 2x, इक्वेशन थर्ड यहां पे लिख देंगे भैया 2x, ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का कर रहे हैं तो दो बार हो जाएगा डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, और वो वाली टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, ई की पावर -2 पाई ई टी बाय एच, क्लियर है, ये हमारी चौथी क्वेश्चन आ गई, ठीक है, मानो या ना मानो, ठीक है, अब मेरे पास डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू है, तो हम जानते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, कितनी होती थी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम,
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, ठीक है। साई हमारा कितना है वो रहा, उसको बाद में रखेंगे हम, वी साई, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू आई एच अपॉन टू पाई डेल साई ओवर डेल टी, वैल्यूज रखिए भैया, पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल साई ओवर डेल टी इन अबाउ इक्वेशन, ठीक है। चाहे इसको इक्वेशन फाइव कह दो तो इक्वेशन फाइव में रख देंगे, इन अबाउ इक्वेशन। लिख देते हैं भैया माइनस एच स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम एज इट इज रहेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है ये रही, रख दो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू पाई आई एच ई बी है सॉरी टू पाई ई टी बाय एच, ठीक है, प्लस वी साई, क्लियर है भाई। वी साई इज इक्वल्स टू आई एच अपॉन टू पाई आई एच अपॉन, भाई ध्यान से देखते रहियो ठीक है, कभी गड़बड़ी कर दो, डेल साई और डेल टी की वैल्यू ये रही, साई ई की पावर माइनस टू पाई आई ई टी अपॉन एच, ठीक है, माइनस ये इनटू में है टू पाई आई ई बाय एच, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसको पहले नोट करना था, अब ये लाइन लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, और ये यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, ठीक है, ये वाली यहाँ तक नोट कर लो। अब मैं इसको इधर से हटा देता हूँ, ठीक है भैया, ये पहले नोट करना था आप लोगों को, समझ गए होंगे भाई, लेंथी क्वेश्चन होते हैं बीएससी में, 11 12th का तो बोर्ड पे आ जाता है, लेकिन भाई बीएससी का लेंथी होता है तो उसके लिए क्षमा है, क्षमा चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया ऐसे ही समझाना पड़ेगा और फिर कॉपी पे करवाना पड़ता है, तो कॉपी से बेटर रहता है हमारा बोर्ड, क्लियर है। तो इसलिए वर्ड दिख रहे हैं, ये टू है, ये पाई है, ये आई है, ये ई टी है, चलो चेक कर लूँगा मैं, नहीं दिखेंगे तो दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा इसको, ये डेल है भैया, ठीक है, वैसे ठीक है भाई, यहाँ तक नोट कर लिया। अब देखो इसको हम हटा देते हैं भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर से तक लिखना पड़ेगा, बीच में लाइन खींच कर हमारा ये काम नहीं चलेगा, समझ में आना चाहिए बस। चलो जी, साई की वैल्यू कितनी थी, साई की वैल्यू थी कितनी थी भाई, ये थी e की पावर माइनस टू पाई आई ई टी बाई एच, वो हमें यहाँ पे रख देनी है किसके साथ, v के साथ। सो कह सकते हैं ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से भाई, माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, e की पावर माइनस टू पाई आई ई टी बाय एच प्लस v की वैल्यू, साई की वैल्यू कितनी थी, e की पावर माइनस टू पाई ई टी आई है अपॉन में h है, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, क्लियर है भाई। इज इक्वल्स टू आई एच अपॉन टू पाई साई, समझ में आ रहा है भाई, ई की पावर माइनस टू पाई आई ई टी बाय एच, क्लियर है। और यहाँ पे भैया ये बचेगा, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया है, माइनस टू पाई आई ई अपॉन एच, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेंथी है भैया तो ऐसे ही हमें जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, क्लियर है बात भाई, इसमें से कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा,
चलो इसको भी हटा दो अभी यहाँ से, नोट पाउस करके कर दे रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया ये वाली टर्म हमारी क्या है, कॉमन है ये वाली टर्म, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगी, इसको कैंसिल कर लियो दोनों तरफ है, तो सो या फिर और करके लिखेंगे माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम विद माइनस साइन, डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी यहाँ पे जो वी साई एक्स की वैल्यू रखी थी भाई उसमें साई भी था, ठीक है, या हाँ साई भी था इसमें, इसके साथ में क्या था, साई भी था, वो देख लियो वैल्यू, साई एक्स टी की वैल्यू थी साई ई की पावर इतनी, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी उसको देख लेंगे पीछे जाके, ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर भैया कमेंट करनी है, ठीक है, प्लस वी साई इज इक्वल टू, देखो इधर क्या बचा आई एच, ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आई एच, चलो जो कमेंट आएगी उन पे उन्हीं के अनुसार चलेंगे, इनटू साई, ये वाली टर्म हमारी कॉमन थी तो कैंसिल कर दी थी हमने दोनों तरफ से, माइनस में टू पाई आई ई अपॉन एच बच गया, ठीक है, आई एच से एच कैंसिल, टू पाई से टू पाई कैंसिल, ठीक है, और वी साई क्या बचा, आई स्क्वायर बचा, चलो लिख दो एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भैया इसमें, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा, ई साई आई स्क्वायर विद माइनस साइन, ठीक है, ई साई और आपका आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कितना बचा भैया, अपॉन में कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ई आई साई आई स्क्वायर बचा और विद माइनस साइन वी साई बचा, आई स्क्वायर इसको प्लस कर देगा, तो इसको नोट कर लो भैया पहले, ठीक है, बहुत लेंथी है भैया, बोर्ड हमारा छोटा रह गया, चलो खैर समझ में आना चाहिए, ठीक है, आई स्क्वायर इसको प्लस कर देगा ई साई को, मिटा दूँ उसको, हटा दूँ, इतनी लेंथी टॉपिक में, ठीक है भाई, गलती करने की चांसेस रहती है लेकिन हुई नहीं हमसे, शुक्र है, ठीक है, प्रभु का क्या है, शुक्र है। चलो भैया ये कितना बचा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम विद माइनस साइन डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई साई माइनस वी साई, ठीक है, ये इसको माइनस प्लस कर देगा, इसको हटा दो भैया, अब तो काम हमारा यहीं पे हो जाएगा, ठीक है भाई, चलो यहां से माइनस, अच्छा हाँ एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी साई, ठीक है, ये माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर आके ये प्लस हो गया, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये उल्टा हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, उल्टा होगा कि ऐसे ही रहेगा, चेक करो, ई माइनस वी इंटू साइज इक्वल टू 0, ठीक है, चलो भैया क्या है? यहाँ तक सही है हमारा ये, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा इसको तोड़ के लिखेंगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई डायरेक्ट कर दिया मैंने ये वाली टर्म, ठीक है, अब बीएससी में आगे थोड़ा सा समझो, ठीक है, नहीं समझ में आई ये वाली टर्म तो कमेंट कर दूंगी, भाई इसको कहाँ ले लिया मैंने, इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा
ये इधर जाके माइनस में जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई में माइनस में जाएगा। एडिशन में नहीं भेज रहे हैं, एडिशन और उसमें सब्ट्रैक्शन में नहीं भेज रहे, मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं, तो एज इट इज़ ये माइनस में इधर चला जाएगा। तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगी दोनों टर्म। अब जब ये इधर जाएगा तो 8π² m/h² होके जाएगा। चलो भाई इसको लिखते हैं 2 × 4π² m/h² e - v ψ=0। ठीक है, तिरछा लिखा क्या हो गया ये। हाँ, एच क्रॉस अब हमें पता है, चूंकि h/2π = h क्रॉस होता है, तो 4π² / h², ठीक है, कितना हो जाएगा h क्रॉस का स्क्वायर। सो इसलिए d² ψ/dx² (2m/h²² e - v ψ = 0। यही क्या है भाई, हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन किसकी, श्रोडिंगर भाई साहब की। ठीक है, किसकी है जी, श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, उनकी है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली। तो उसको कर लो भैया, कोई भी कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी टाइप की, तो कमेंट जरूर करें। और भैया पहले नोट्स देख लो, उसके बाद, वैसे नोट्स में से कुछ है ही नहीं, एज इट इज़ जैसे मैंने करवाई है एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। सोल्यूशन निकालेंगे किसका, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।